एक ही बार कहूंगा इसीलिए बात भेजे में घुसा लेना, बात याद ना रहे तो कहीं लिख लेना। ये लक नहीं है। दोस्तों, बहुत दिन के बाद साउथ की नेचुरल स्टार नानी की मच चेवेटेड फिल्म सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म में नेचुरल स्टार नानी एक अलग ही लुक में दिखाई देंगे। फिल्म का नाम है दशहरा। ये फिल्म बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। नेचुरल स्टार नानी इस फिल्म को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। दशहरा फिल्म की एक छोटा सा टीजर यूट्यूब पर रिलीज कर दिए है। इस टीजर को देखने के बाद काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, इस फिल्म कब रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की स्टार कास्ट कौन रहेंगे, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लेना, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। बात करें इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट करने वाले हैं और इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी ने प्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी तक साउथ की नेचुरल स्टार नानी इस फिल्म में जैसा कोई फिल्म दिखाई नहीं दी है, क्योंकि आपने नेचुरल स्टार नानी की मक्खी फिल्म देखे होंगे। उसमें नानी की एक्टिंग एंड स्टाइल काफी जबरदस्त था। इस फिल्म में समंता एंड नानी रोमांटिक एक्शन के साथ नजर आए थे, लेकिन अब इस बार एक भयानक रूप में नजर आने वाला है। बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट, नेचुरल स्टार नानी के साथ कीर्ति सुरेश को देखने मिलेगी और विलन के किरदार में बेस्ट एक्टर समुथी रकानी को हमें देखने मिलेगा। दशहरा फिल्म 70 करोड़ बजट में बनाए जा रहे हैं। अब इस फिल्म 30 मार्च 2023 में बड़े पर्दे पर रिलीज करने वाला है। बात करें इस फिल्म को संतोष नारायण ने म्यूजिक देने वाला है। ये फिल्म एक्शन ड्रामा मूवी होगी। इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक ही बार कहूंगा इसीलिए बात भेजे में घुसा लेना, बात याद ना रहे तो कहीं लिख लेना। मुझ पर जिंदगी में किसी इंसान को मारने की नौबत आएगी।